वहीं महापौर को निलंबित करने से जुड़ा प्रकरण, डॉक्टर सौम्या की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सीके सोनग्रा की खंडपीठ में सुनवाई होगी। आपको बता दें सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंह भी पैरवी कर रहे हैं और वहीं डॉक्टर सौम्या की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पैरवी कर रहे हैं। डॉक्टर सौम्या की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पैरवी कर रहे हैं और वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी इसकी पूरी पैरवी कर रहे हैं। महापौर को निलंबित करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। देखिए जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सियासी उठापटक चल रही है, उसके बाद आज डॉक्टर सौम्या की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और जिस तरीके से उनके पति का कथित वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद सरगर्मियां और तेज बढ़ गई हैं। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सीके सोनग्रा की खंडपीठ में सुनवाई होगी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी हैं तो वहीं डॉक्टर सौम्या की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पैरवी कर रहे हैं। महापौर को निलंबित करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण था, जैसे कि आप कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं सियासी घमासान राजस्थान में चल रहा है। कांग्रेस भाजपा का जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, डॉक्टर सौम्या ने जो आरोप लगाए भाजपा पर कि भाजपा काम नहीं करने देना चाहती थी, इसीलिए माफ कीजिएगा कांग्रेस काम नहीं करने देना चाहती थी इसीलिए महापौर को निलंबित किया गया, मगर उसके बाद ही डॉक्टर सौम्या के पति का वीडियो वायरल हो गया, कथित वीडियो वायरल हो गया जिसकी पुष्टि फर्स्ट इंडिया नहीं करता है। हालांकि डॉक्टर सौम्या के पति ने भी इस चीज को झुठलाया, कहा कि ये जो वीडियो है वो गलत है, वो इस बात को नहीं माने कि वो वीडियो उनका है कथित तौर पे। हालांकि फर्स्ट इंडिया भी उस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस पे और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कमलकांत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। कमलकांत, डॉक्टर सौम्या की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, क्या कुछ अपडेट आपके पास मौजूद? जी ऋषभ, बताना चाहूंगा कि ग्रेटर नगर निगम की महापौर को जो निलंबित करने का प्रकरण है उस पे कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज भी उस पे सुनवाई चल रही है। सुबह 8 बजे से फिलहाल इस प्रकरण पे सुनवाई चल रही है। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एनएन सिंघवी जी और डॉक्टर सौम्या की ओर से जी वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, फिलहाल उस पर सुनवाई चली रही है। कमलकांत, जिस तरीके से सियासी घमासान लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि क्या इस सियासी घमासान पर विराम लग पाएगा? जी बिल्कुल, ये तो कोर्ट के आदेश के बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस मैटर में, क्योंकि इसमें कोर्ट क्या निर्णय करती है। बिल्कुल कमलकांत, देखिए महापौर डॉक्टर सौम्या की ओर से भी कोर्ट की बात तो अलग कही जाए, मगर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों ओर से चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ बयानबाजी अभी की जा रही है या फिर कोई अपडेट आपके पास मौजूद हो कि अभी डॉक्टर सौम्या की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी डॉक्टर सौम्या भूजन ने इतना ही बताया कि स्वास्थ्य शासन विभाग ने जो कार्रवाई की है वो गलत की है, नियमों के विपरीत जाकर जो कार्रवाई की है ये गलत है। नोटिस देने के बाद भी उनको समय नहीं दिया गया और एफआईआर में उनका नाम नहीं है, इसलिए वो इस कार्रवाई को गलत बता रही हैं। जी कमलकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महापौर को निलंबित करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है, डॉक्टर सौम्या की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है, जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सीके सोनग्रा की खंडपीठ में सुनवाई, कल भी सुनवाई की गई थी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी हैं तो वहीं डॉक्टर सौम्या की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद इसकी पैरवी कर रहे हैं।